हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम ई एल ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से कार्बन माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन माइक्रोफोन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वेन फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स इनक्लोज इन सब्जेक्टेड टू वे चेंजेस कार्बन माइक्रोफोन में बेसिकली कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं या हम कहें कार्बन पार्टिकल्स या कण होते हैं जब इन कार्बन ग्रेन्यूल्स को किसी केस में एनक्लोज करके बंद करके उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये जो प्रेशर है इसमें वेरिएशंस के अकॉर्डिंग कार्बन कैन्युल्स के रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है मींस जैसे ही साउंड प्रेशर हम कार्बन uh, ग्रेन्यूल्स पे अप्लाई करते हैं तो uh, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं एक कंप्रेशन दूसरा रेयर फैक्शन तो कंप्रेशन की कंडीशन में कार्बन ग्रेन्यूल्स पे हाई प्रेशर लगता है और रेयर फैक्शन की कंडीशन में लो प्रेशर लगता है तो इस टाइप से जो ये प्रेशर में वेरिएशन है इसी के अकॉर्डिंग कार्बन ग्रेन्यूल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता है तो इस टाइप की कार्बन ग्रेन्यूल्स की डिवाइस को जब सीरीज में लोड के साथ डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो लोड से फ्लो होने वाली करंट में चेंज जो है वो कार्बन ग्रेन्यूल्स में प्रेशर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ही होता है तो इस टाइप से ये कार्बन माइक्रोफोन का बेसिक प्रिंसिपल है नेक्स्ट हम कार्बन माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है कार्बन माइक्रोफोन की जिसमें ये मेटल डायफ्राम है जो कि इस प्रकार स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है इस पर जब साउंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसमें इस प्रकार मूवमेंट होता है मीन्स ये ओसिलेट करता है और चूंकि बेसिकली कार्बन माइक्रोफोन में कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ये यह यहाँ पे कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं और इन्हें दो प्लेट्स के बीच में रखा जाता है जो अपर प्लेट है वो मूवेबल प्लेट होती है जो कि मेटल पिस्टन के थ्रू डायफ्राम से कनेक्टेड होती है और जो लोअर प्लेट है वो फिक्स्ड प्लेट होती है और इसे हम डायफ्राम से इंसुलेटर के थ्रू इंसुलेट रखते हैं और इन ये जो कंप्लीट यूनिट है इसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्टिव कवर का यूज़ करते हैं और ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं ये बैटरी से कनेक्टेड होती हैं इस प्रकार और जब इसे लोड से कनेक्ट किया जाता है तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में मिलता है लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो हम ट्रांसफॉर्मर से होकर रिसीव करते हैं क्योंकि हम ताकि मीन्स माइक्रोफोन का जो डीसी कंटेंट है वो रिमूव हो सके ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसी स्ट्रक्चर के बारे में जिन्हें अभी हमें डिस्कस किया है एक बार फिर से देख लेते हैं फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स आर बिटवीन टू मेटल प्लेट्स मीन्स जो बेसिक कंपोनेंट है कार्बन माइक्रोफोन का कार्बन ग्रेन्यूल्स वो इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में रखे जाते हैं द अपर प्लेट इज अ टेस्ट टू अबल मेटल डायफ्राम थ्रू मेटल पिस्टन और प्लेंजर द लोअर प्लेट मेटल प्लेट इज फिक्स एंड इज इंसुलेटेड फ्रॉम डायफ्राम मीन्स जो अपर प्लेट मूवेबल प्लेट होती है वो मेटल प्रिस्टन के थ्रू डायफ्राम से कनेक्टेड है इस प्रकार और जो लोअर फिक्स प्लेट है उसे हम डायफ्राम से इंसुलेट रखते हैं इंसुलेटर के थ्रू और एक बैटरी इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में इस टाइप से कनेक्ट है यहाँ पे शो है व्हेन लोड इज कनेक्टेड करंट फ्लोज थ्रू कार्बन ग्रेन्यूल्स एंड लोड जैसे ही इससे लोड को कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो होती है मीन्स अभी जैसे कि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब इनमें इसके थ्रू कनेक्ट लोड के थ्रू जब वो करंट फ्लो होगी तो ये जो करंट में चेंजेस होंगे वो कार्बन ग्रेन्यूल्स जो हैं उसमें जिस प्रकार प्रेशर में उसमें लगने वाले प्रेशर में जिस प्रकार चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस करंट में चेंज होता है द आउटपुट इज ऑपटेंटि थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर टू एलिमेंट एलिमिनेट डीसी कंटेंट ऑफ द माइक्रोफोन आउटपुट मीन्स वही फाइनल आउटपुट हम ट्रांसफॉर्मर से होके लेते हैं ताकि माइक्रोफोन का डीसी कंटेंट रिमूव किया जा सके नेक्स्ट हम कार्ब्रन माइक्रोफोन की वर्किंग के बारे में देखते हैं तो जैसे ही साउंड वेव्स को डायफ्राम पे अप्लाई किया जाता है तो डायफ्राम में इस टाइप से मूवमेंट होता है मींस डायफ्राम ऑसिलेट करता है तो यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन होती है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कंप्रेशन की कंडीशन में मूवेबल प्लेट के थ्रू कार्बन ग्रेन्यूल्स पे हाई प्रेशर लगता है हाई प्रेशर की वजह से कार्बन ग्रेन्यूल्स का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो सर्किट के थ्रू करंट uh, क्या होगी करंट में इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में क्या होता है इनवर्सली रिलेशन होता है uh, और नेक्स्ट uh, जो रेयर फैक्शन की कंडीशन है रेयर फैक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन uh, ग्रेन्यूल्स जो है उनपे लो प्रेशर लगता है लो प्रेशर की वजह से कार्बन ग्रेन्यूल्स लूज हो जाते हैं लूज होने से उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज होने से अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगी सर्किट के थ्रू डिक्रीज होगी तो ये तो ये जो कंडीशन है जिसमें इस टाइप से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है साउंड वेव्स अप्लाई करने से तो ये वाली कंडीशन तब है जब साउंड वेव्स अप्लाई की जाती है अगर कोई साउंड वेव अप्लाई नहीं की जाती डायफ्राम पे, मींस एप साउंड वेव जब एब्सेंट है तो उस केस में क्या होगा एक स्टेडी करंट फ्लो होती है मींस करंट में कोई चेंज नहीं होता उस कंडीशन में तो और जब साउंड वेव अप्लाई की जाती है साउंड वेव जब प्रेजेंट है तब क्या होता है करंट में चेंज होता है मीन्स जो ये करंट में चेंज हो रहा है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेसिकली कौन सी कौन है साउंड वेव्स

तो इस टाइप से हमें क्या साउंड वेव्स की वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है मीन्स करंट में हमें इस टाइप से चेंज होता है साउंड वेव जैसे ही अप्लाई की जाती है तो करंट में इस प्रकार का चेंज होता है और अगर साउंड वेव अप्लाई नहीं की जाती कोई साउंड वेव प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा एक स्टेडी करंट सर्किट से फ्लो होगी मीन्स जो ये uh, जो भी है uh, करंट में इस जिस प्रकार चेंज हो रहा है इसके लिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल कौन है साउंड वेव्स नेक्स्ट तो कार्बन कैंडल्स का टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार दिया जाएगा अगर स्मॉल आर से नेट रेजिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस होगा साउंड की एब्सेंस uh, में रेजिस्टेंस तो वो क्या है आर जिसे हम क्या कहेंगे स्टेडी रेजिस्टेंस चूंकि साउंड की एब्सेंस में स्टेडी करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में रजिस्टेंस क्या है स्टेडी रेजिस्टेंस uh, और uh, जब साउंड प्रजेंट है तो साउंड की प्रेजेंट में प्रेशर वेरिएशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो उस केस में रजिस्टेंस क्या होगा डेल्टा आर तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्व टू आर प्लस डेल्टा आर आ, ये सर्किट यहाँ पे शो किया गया है जिसमें ये आर है साउंड के एबसेंस में रेजिस्टेंस और डेल्टा आर है साउंड के प्रेजेंट में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ई है वोल्टेज सप्लाई

तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या है ई e, जैसे कि मैंने अभी सर्किट में देखा था ई e से डिनोट किया है तो वोल्टेज सप्लाई है ई e से डिनोट किया है अपॉन में आर तो टो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर जब साउंड की एबसेंस में और डेल्टा आर जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो है साउंड की प्रेजेंस में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस डेल्टा आर तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गई हमारी आई इक्वल टू ईअोन आर प्लस डेल्टा आर अब ये कुछ ये सिंपली मैथमेटिकली सॉल्यूशन है इसका अपॉन आर कॉमन लिया तो इस टाइप से आ गया और फिर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इन, आ, पावर निगेटिव हो जाती है और बाइनोमियल जो थ्योरम होती है उससे हम इसे ये जो पावर है इस साइन को यहाँ पे इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं अगर हम इसकी हायर जो पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट करें तो बाइनोमियल प्रमेय की हेल्प से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी फाइनली I equals to E upon R one डेल्टा delta R बढ़िया यहाँ पे E upon R क्या है R कब है जब साउंड एब्सेंट है मीन्स साउंड की एब्सेंस में इंस्टेंट वो स्टेडी करंट फ्लो हो रही थी तो क्या हम इसे E upon R को स्टेडी uh, करंट लिख सकते हैं तो यहाँ पे I note हम इसे शो कर सकते हैं तो I equals to I note one minus This equation shows that change in current and hence the change in voltage across the load is proportional to the change in resistance R of the carbon granules uh, and hence proportional to the pressure variation due to sound. मीन्स इस टाइप से जो करंट में चेंज हो रहा है और लोड पर जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है साथ ही साथ साउंड के कारण जो प्रेशर में वेरिएशंस हो रहा है उसके भी प्रोपोर्शनल होता है नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन माइक्रोफोन की कैरेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में तो कार्बन माइक्रोफोन के लिए सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होती है और कार्बन माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो लगभग 100 मिलीवोल्ट होता है द आउटपुट ऑफ ए कार्बन माइक्रोफोन इज अबाउट 20 डेसिबल बिलो 1 वोल्ट डेट इज अबाउट 100 मिलीवोल्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो बहुत कम होता है कार्बन माइक्रोफोन के लिए और जो ये कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं उन रेजिस्टेंस uh, में रैंडम वेरिएशन की वजह से कंटिन्यूसली ही साउंड भी अकर होता है जनरेट होता है कार्बन uh, माइक्रोफोन का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो टू से फाइव हंड्रेड तक होता है इसकी वजह से हम uh, इन्हें हाई फिडेलिटी वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं मीन से हाई फिडेलिटी वर्क के लिए अनसुटेबल होते हैं और जो टोटल फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ है वो लगभग इनकी होती है फाइव किलो हर्ट्स कार्बन माइक्रोफोन का डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है इसमें डिस्टॉर्शन लगभग टेन परसेंट तक होता है डायरेक्टिविटी है जो कार्बन माइक्रोफोन के लिए वो ओमनी डायरेक्शनल होती है इनका आउटपुट इम्पिटेंस भी बहुत कम होता है लगभग हंड्रेड ओम तक होता है क्योंकि इनकी सिग्नल टू नॉइस रेशो भी बहुत पुअर है और आउटपुट इम्पिटेंस भी इनका बहुत कम है फ्लैट uh, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्लैट रेस्पॉन्स भी uh, कम रेंज के लिए अवेलेबल होता है इसकी वजह से uh, हम इन्हें लो कॉस्ट एप्लीकेशन में ही यूज़ लेते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन माइक्रोफोन्स के कुछ अदर फीचर्स के बारे में तो इट इज वेरी रिजिड मींस ये बहुत ही कठोर होते हैं इट इज प्रोन टू मॉइस्चर एंड हीट मींस ये हीट और मॉइस्चर से काफी प्रभावित होते हैं इट इज स्मॉल इन डाइमेंशंस ये डायमेंशन में बहुत ही छोटे होते हैं कॉस्ट ऑफ द माइक्रोफोन इज द लोएस्ट ऑफ ऑल अदर माइक्रोफोन इनकी कॉस्ट uh, सबसे कम होती है मीन्स अदर माइक्रोफोन की तुलना में इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन माइक्रोफोन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं टू लिमिटेड रेंज इट इज़ यूजफुल ओनली इन टेलीफोन्स है range, हमने कैरेक्टर सिक्स में देखा है कि इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज लगभग 200 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड हर्ट तक की ये फ्लैट रेस्पॉन्स देते हैं तो बहुत ही लिमिटेड है रेंज है तो इसकी वजह से इनका यूज ओनली इन टेलीफोन्स में ही होता है इट इज ऑल्सो समूज इन पोर्टेबल रेडियो कम्युनिकेशन सेट्स कभी कभी इन्हें पोर्टेबल रेडियो संचार में भी यूज किया जाता है तो इस टाइप से ये सब आज का डिस्कशन कार्बन माइक्रोफोन के ऊपर था होप आप सभी को समझ में आया होगा थैंक यू